भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। खास विशेष चित समाधि देने वाला, प्रसन्नता पैदा करने वाला, प्रफुल्लित करने वाला, रोम रोम में आनंद देने वाला, हमारे स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला, दैनिक दिनचर्या के बारे में बताने वाला, सत्संग कराने वाला, युवाओं को, बच्चों को, वरिष्ठ नागरिकों को, सबको अच्छे अच्छे संस्कार देने वाला, सर्व सुखदायी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विधायक भावों को पैदा करना। इसी क्रम में हम प्रतिदिन नए नए विचारों के साथ में प्रवेश करते हैं और उसी क्रम के अंदर जो आज का हमारा विषय जो है वो सामाजिक चेतना के अवतरण के लिए है। आज का हमारा विषय है कुरूतियां सामाजिक विकास में बाधक। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कुरीति किसे कहते हैं? सुरीति और कुरीति। जो अच्छी रीति होती है उसको सुरीति कहा जाता है और जो बुरी रीति होती है उसको कुरीति कहा जाता है। यानी कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे अनुशासन, कुछ ऐसे कानून कायदे, कुछ ऐसे एथिक्स जो कि समाज ने जिसको कि अनुमोदित किया है, समाज ने जिसको मान्य किया है उसको सुरीति कहा जाता है और जिसको समाज मान्य नहीं करता है वह कुरीति कहा जाता है। और कुरीति का अर्थ होता है कि समाज के विरुद्ध चलना, समाज की जो है वो जो दिशा है चलने की उससे विरुद्ध जो है गमन करना वह कुरीति कहलाती है। और वह कुरीति निंदनीय हो जाती है क्योंकि समाज उसी को एक्सेप्ट करता है जो कि समाज ने जिसको मान्यता दी है। जैसे कि हिंदू समाज के अंदर एक पत्नी की व्यवस्था है, अगर दो पत्नी रखी जाती है तो ये कुरीति है, ये अमान्य है, ये निंदनीय है, इसलिए समाज उसको जो है वैधानिक मान्यता नहीं देता है। मुस्लिम समाज के अंदर दो चार पांच जो भी है उनकी वो अलाउड है, लेकिन हिंदू समाज के अंदर सोदार संतोष होता है। एक पुरुष एक स्त्री के साथ के अंदर संतोष करेगा, एक स्त्री एक पुरुष के साथ संतोष करेगा करेगी और वह शादी की व्यवस्था कहलाती है। उससे हमारा परिवार बनता है और उससे हमारी पीढ़ियां बनती है, हमारी जनरेशंस बनती है और वो आगे से आगे चली जाती है। किसका पोता है, किसका परपोता है, किसका बेटा है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं वो हमारे समाज के अंदर लंबे समय से चल रही है क्योंकि समाज ने इसको मान्यता दी है। समाज ने एक सिस्टम बनाया है, समाज ने एक वे ऑफ लिविंग बनाया है, एक साइंस ऑफ लिविंग बनाया है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाया है, उसी को सुरीति कहा जाता है और उसके विरुद्ध चलना सारा कुरीति है। अब देखिए, कुरीति सुरीति तो समाज के विकास में साधक है ही है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि समाज ने इसको मान्यता दी है और जो चीज मान्य होती है उसके पालन होने में विकास ही विकास होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई माता पिता ने अपने बच्चों के लिए फैक्ट्री प्रारंभ की और फैक्ट्री प्रारंभ करके और उसको उस फैक्ट्री के संचालन के लिए लगा दिया तो उन्होंने इस चीज को मान्यता दी है तो वह एक तरीके से सुरीति है, उसमें उसका विकास होता जाएगा। लेकिन अगर वह लड़का माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध चुपके चुपके कोई अवैधानिक कार्य करके, अपराध के कार्य करके और मिलावट के कार्य करके जो है अगर पैसा कमाना चालू करता है जिसको माता पिता को ध्यान ही नहीं है तो ये कुरीति है, माता पिता ने उसको मान्यता नहीं दी है, इस कारण उसका विकास भी संभव नहीं है। कभी न कभी वो उसका पाप इतना बढ़ता बढ़ता उसका घड़ा फूटेगा और घड़ा फूटने के बाद में वो व्यक्ति जो है बहुत बड़ी परेशानी, जेल वगैरह तक में आ सकता है, कैद तक हो सकती है, उसको जो है फांसी की सजा तक हो सकती है, वो अपराध पर निर्भर करता। देखिए, वो माता पिता ने जो मान्यता दी वो सुरीति हो गई, वैधानिक रूप से कार्य हुआ, और जिसमें मान्यता नहीं दी और उसने अवैधानिक तरीके से कार्य किया उसको कुरीति कहते हैं। हमारे
कोर्ट ने जिसको जो है वैधानिक माना है, हमारी कार्यपालिका ने, हमारी सरकार ने जिसको मान्यता माना है, उसको नियम बना दिया है, तो सुरीति हो गई। और उस नियम के विरुद्ध चलता है वह कुरीति है। जैसे कि हेलमेट पहन के चलना ये सुरीति है, बिना हेलमेट पहन के चलना ये कुरीति है, ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी कर दिया है, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना चलाना ये कुरीति है, पॉल्यूशन बिना जो है चलाना ये कुरीति है। तो इस तरीके से जो है ये सारी जो है अच्छा कार्य है वो सुरीति कहलाता है। अब कुछ मैं बड़ी बड़ी कुरीतियाँ जो कुरीतियाँ जो कि हमारे समाज में लंबे समय से चल रही है उसके बारे में जिक्र करूँगा, और उससे किस तरीके से हमारा सामाजिक अधोपतन होता है, हमारे सामाजिक विकास का ह्रास होता है, ये बताना चाहूँगा। सबसे पहले दहेज प्रथा को लेता हूँ। दहेज एक दानव है। दहेज अगर इसका हम प्रयाव इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, द मने देना, हेज मने प्रेम। किसी बेटी ने अपने माता पिता के घर में जन्म लिया तो वो संपत्ति की बराबर अधिकारिणी है। बेटा घर में रहता है और लड़की होती है पराए घर जाती है, तो क्योंकि वह भी एक हिस्सेदार की मालकिन है, तो उसको दहेज उसको प्रेम से कुछ न कुछ विदाई के समय उसकी शादी के समय उसको दिया जाता, वो दहेज है। वो प्रेम से, इसका सही परिभाषा तो है प्रेम से दिया जाना, लेकिन इसको गलत रूप के अंदर ले लिया गया कि जो लड़के के ससुराल के जो जो है ससुर है, सास है, पति है, ननंद है, जेठ है, जेठानी है, वो उस लड़की के ऊपर दबाव डाले या उसके माता पिता पे दबाव डाले शादी के पहले। शादी के पहले तो अगर दबाव डाला जाता है तो कई बार क्या होता है कि उनके लड़की के माता पिता को नहीं जचता है तो शादी होती नहीं है, और कई बार अंडर प्रेशर करना पड़ता है। लेकिन शादी होने के बाद उसे प्रेशर डाला जाता है कि तुम्हारे माता पिता बहुत सक्षम है, कार आना चाहिए, बंगला आना चाहिए, इतनी ज्वेलरी आनी चाहिए। वो प्रेशर डाला जाता उस लड़की के ऊपर उसके ससुराल वालों की तरफ से कि और कंपल्शन, अंडर कंपल्शन जो है बच्ची की खुशी के लिए उसको पेरेंट्स दे। तो ये एक तरह से दानव, ये दानव का कार्य है, ये एक दैत्य का कार्य है, ये गलत कार्य है, ये प्रेम को तोड़ने वाला कार्य है। और इस कार्य के अंदर अगर अनुपालना नहीं होती है, माता पिता किसी कारणों की वजह, उसूल की वजह से नहीं देते हैं या जो है प्रेशर की वजह से नहीं देते हैं, तो क्या होता है बेचारी लड़की को बहुत परेशान होना पड़ता है। और इस मामले में कई कई ऐसे घृणित कार्य होते हैं, उस लड़की को जला दिया जाता है, उस लड़की को प्रताड़नाएं दी जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। हालांकि सरकार ने इस दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत कड़े कानून बना दिए हैं, इसके अलग से कोर्ट बना दिए हैं, इस पर त्वरित गति से जो है कार्रवाई होती, क्योंकि समाज के अंदर बहुत फैल रही है ये बुराई, इन दिनों में ज़्यादा हो गई है। प्राचीन समय के अंदर दहेज की जो सही सही परिभाषा थी, प्रेम से देना है, बड़े आनंद के साथ दिया जाता था, उसके अंदर जो उसको स्त्री धन कहा जाता था और उसको कोई भी ससुराल वाले उपयोग में नहीं, कोई ज्वेलरी होती थी प्योरली वो स्त्री धन है, वो किसी रूप में टच नहीं किया जाता है। कभी बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जावे, परिवार संकट में आ जावे, और वह स्त्री अगर जो है राजी खुशी अपनी ज्वेलरी को जो है घर के हित के लिए कुर्बान करती है, बलिदान करती है, सेक्रीफाइस करती है, वह देती है, वह बात अलग है, परंतु स्त्री धन के रूप में प्रयोग जो किया जाता था, लेकिन आज का विकृत रूप आ जाने के कारण ये कुरीति बन गई। अब देखिए इस तरीके कुरीति से समाज को क्या नुकसान है। देखिए सुरीति क्या होती है, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ती है, व्यक्ति के बीच में प्रेम पैदा करती है, और कुरीति क्या है, ये वैमनस्य पैदा करती है, ये राग द्वेष पैदा करती है, और यह इंसानों को तोड़ती है, जोड़ती नहीं है, एक तरह से दुख का वातावरण बन जाता है, और ये कई परिवारों के बीच में होता है तो उसका सारा प्रभाव समाज के अंदर पड़ता है। समाज के अंदर मैत्री की भावना धीरे धीरे गायब होती है, प्रमोद की भावना गायब होती है, प्रेम टूटता है, भाई भाईचारा टूटता है, वात्सल्य टूटता है, सम्मान टूटता है, उससे जो है हमारा सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विकास दो तरह के होते हैं, एक बाह्य विकास होता है, एक आंतरिक विकास होता है। बाह्य विकास का मतलब हमारा आर्थिक विकास, हम आर्थिक रूप से कितने समृद्धि से रहते हैं, आराम से रहते हैं, और अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बनाते हैं, और उसके साथ साथ के अंदर हम अपनी
लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाते हैं और अपना लिविंग स्टेटस अच्छा बनाते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं और बड़े खुशनुमा वातावरण में रहते हैं, ये सारा जो है वो बाह्य विकास होता है। लेकिन बाह्य विकास से भी ज़्यादा जरूरी है वो है आंतरिक विकास। आंतरिक विकास हमारे आत्मिक मूल्यों का, हमारे मानवीय मूल्यों का विकास है, वह आंतरिक विकास कहलाता है, जिसके अंदर देखिए प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, सम्मान, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता और उसके साथ सहनशीलता, त्याग, ये आंतरिक उत्थान है, ये आंतरिक विकास है, ये मानवीय मूल्यों का विकास है, ये आत्मिक मूल्यों का विकास है। और ये विकास जहाँ पर होता है वो समाज सुदृढ़ होता है, वो समाज अच्छा होता है, वो समाज फलता है, फूलता है, विकासशील होता है। कई देशों की बात होती है, विकसित देश, अविकसित देश और विकासशील देश, जो बहुत ज़्यादा समृद्ध है अमेरिका जैसे वो विकासशील कहलाते हैं, भारत जैसा विकसित देश है जो कि विकास कर रहा है, और अविकसित देश है जो छोटे छोटे देश हैं जो भी विकास जिनका पूरा हो नहीं पाया है वो अविकसित देश कहते हैं। ये सब बाह्य विकास है, भीतर का विकास है, आंतरिक मूल्यों का विकास करना भीतर का विकास है, वो सच्चा विकास है और वही मनुष्य में इंसानियत पैदा करता है, मानवता पैदा करता है, मनुष्य मनुष्य को जोड़ता है, मैत्री की भावना पैदा करता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं आपको कुछ और कुरीतियों के बारे में बताना चाहता हूँ। बाल विवाह, देखिए आजकल तो काफ़ी शिक्षा बढ़ गई है तो बाल विवाह कम हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। हमारे अक्षय तृतीया आती है उसके अंदर 36 कौम के लोग जो है छोटे छोटे बच्चों को, जो कि 18 साल की लड़की और 21 साल का जो है बच्चा लड़का, ये सुरीति बनाई गई, ये नियम बनाया गया, ये एथिक्स बनाया गया है, उसके नीचे नीचे वो शादी कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे बेचारे समझते नहीं हैं, उनकी आपस में शादी कर दी जाती है और उनके जब समझ आती है, जब वयस्क होते हैं वो 18 और 21 साल की उम्र के होते हैं, जब आपस के अंदर कहते तुम्हारी शादी हो गई, तो उनको पता ही नहीं है, शादी की परिभाषा भी पता नहीं होती है। जिस वक्त शादी की जाती है, अब उनका दोनों का स्वभाव कैसा है, किस तरीके से दोनों का एक दूसरे से सामंजस्य की बात आती है, तो वह क्या एक अच्छा शादी का कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो शादी के सांचे में ढल जाते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि आपस में एडजस्टमेंट नहीं होता है, उनके उनकी इच्छाओं का और उनके दूसरा कहना चाहिए एबिलिटीज़ का, दोनों के विचारों का कभी भी आदान प्रदान नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें वयस्कता नहीं थी, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं थी, तो वो कई बार जो क्या विवाह छूट जाते हैं। और ये बाल विवाह घातक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इससे को जो दो परिवार के बीच के रिलेशंस टूटते हैं, और रिलेशंस टूट करके दो के परिवार के नहीं टूटते हैं, वो बहुत बड़ा मल्टीप्लाई होता है। हमारी भारतीय संस्कृति एक जॉइंट फैमिली की संस्कृति है, जिसके अंदर की ससुराल पक्ष और जो है अपना पियर पक्ष दोनों मल्टीप्लाई होकर के, जैसे कि दो और दो मिलकर के चार होते हैं, 10 और 10 मिलकर के 100 होते हैं, तो उस तरह से दो घरों की संस्कृति मिलकर के ये मल्टीप्लाई हो जाती, रिलेशंस जो है कई गुणा बढ़ जाते हैं, और ये हमारे भारत की विशेषता है। और इस तरीके से जो है वो ये बाल विवाह एक कुरीति है, इसको रोका जाना चाहिए और बराबर सरकार इस पर प्रयास कर रही है। और हमारे पुराने समाज सुधारक हुए हैं, राजा राममोहन राय, स्वामी जो है वो दयानंद सरस्वती, और उसके बाद कबीर जी, ये जितने भक्ति मार्गी हुए हैं, कबीर जी, तुलसीदास जी, चैतन्य प्रभु और अपने रहीमदास जी, और उसके अलावा जो है हमारे बड़े बड़े महापुरुष हैं ना, इन पर इन्होंने बहुत कुरीतियों को जो है वो उन्मूलन करने के लिए बहुत कार्य किया, लोगों को प्रेरित किया कि इससे समाज का विकास जो है रुकता है और समाज के अंदर अड़चन आती है, समाज अच्छा नहीं बन पाता है, समाज में स्थायित्व नहीं आता है, समाज में प्रसन्नता नहीं आती है। इस कारण से उन्होंने प्रयास किया और प्रयास के बाद भी अभी तक कुरीतियाँ जो है अभी तक चली आ रही है। अब देखिए थोड़ी और कुरीतियों को हम आगे देख करके देखें, मृत्यु भोज, देखिए
कि किसी के पेरेंट्स से वो चले जाते हैं। ये जीवन मरण किसी के हाथ में नहीं है, ये नियति का योग होता है और समय पर हरेक को जाना होता है और हरेक जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु के पीछे जो भोज दिया जाता है और उसके अंदर वो कंपल्सरी हो जाता है, उसमें पूरे गांव को जीवन दिया जाता है, गांव को और दूसरा क्या है पितरों का श्राद्ध किया जाता है और कई तरह की ऐसी ऐसी प्रथाएँ हैं कि जिससे कि उस अगर कोई व्यक्ति सक्षम ना हो तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आता है और ऐसी ऐसी स्थितियां आती है कि वो कर्जा लेकर के और वो मृत्यु भोज करता है, लाखों रुपए खर्च करता है, उस कर्जे को चुकाने चुकाने उसकी पूरी जिंदगी चली जाती है। बोलिए उस परिवार का क्या विकास हुआ? जब परिवार का ही विकास नहीं होगा तो समाज का विकास कहाँ से होगा? इसलिए कहा है सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। सबसे हमारा जो कंपोनेंट विश्व का 7 अरब की जनसंख्या है वो छोटी यूनिट है, वो मनुष्य है, वो इंसान है, उसको सुधारना है। अगर एक व्यक्ति सुधरता है, एक व्यक्ति 11 को सुधारता है और 11 है वो 111 को सुधारते हैं, इस तरीके से ये साइकिल जो मल्टीप्लाई होती जाती है, उससे से बिगाड़ होता है। अगर एक व्यक्ति बिगड़ता है तो उसके साथ साथ में कितने लोग बिगड़ते हैं और ये क्या पतन होता है, ये साइकिल चलती है, नेचुरल साइकिल है। तो भाई और बहनों, दर्शक, मृत्यु भोज एक बहुत बड़ी कुरीति है, इसको रोका जाना चाहिए। सरकार ने सब इन कुरीतियों पर नियम बनाए हैं, लेकिन अभी तक भी जो है हमारे यहाँ पर इलिटरेसी ज़्यादा होने से, अशिक्षा ज़्यादा होने से, खासकर गांवों के अंदर इन चीज़ों का बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि गांवों में न की जाती है तो लोग ताना कसते हैं कि तुमने तुम्हारे माता पिताजी के पीछे जो मृत्यु भोज ही नहीं किया और तुमने अपने पितरों को जो है वो कोई तरह दान पुण्य नहीं किया, ब्राह्मणों को नहीं जिमाया। तो इस तरीके की ये कुरीतियाँ हैं जो ये जो है वो हमारे सामाजिक विकास के अंदर लगातार बाधक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलें, पर्दा प्रथा। हालांकि पर्दा प्रथा शिक्षा आने से बहुत कुछ कम हो गई है, लेकिन पुराने जमाने के अंदर पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा थी। पर्दा स्त्रियाँ पर्दे के अंदर ही रहती थी, पर्दे में रहने के कारण के अंदर उनका विकास नहीं होता था, उनको ज़्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। और जो जिन जिन और ये पुरुष प्रधान जो हमारी संस्कृति जो आज भी है, ये पहले बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, स्त्री को इतनी स्वतंत्रता नहीं थी पर्दे प्रथा की वजह से। लेकिन जब शिक्षा बढ़ी और पर्दा प्रथा जो है प्राय प्राय आजकल मिट गई है, गांवों में तो अभी भी है, लेकिन फिर भी जहां पर भी है वहां विकास संभव नहीं हो रहा है, वहां उनको अधिकार ही नहीं दिया जाता, उनको चांस नहीं मिलता है। और जहां जहां पर शहरों के अंदर बच्चियों को पढ़ाया जाता है, विकास क्या किया जाता है, तो हम देख रहे हैं कि वो परचम फहरा रही है। वो जीवन के हर क्षेत्र के अंदर, चाहे हमारी सेना का क्षेत्र हो, चाहे वायु सेना का क्षेत्र हो, थल सेना का क्षेत्र हो, स्थल सेना का क्षेत्र हो, पुलिस का हो, किसी भी फ्रंट के अंदर स्त्री, चाहे उड़ान जो मंगल ग्रह पे जाने की बात हो, चंद्रमा के जाने की बात हो, वहाँ पर स्त्रियों ने आजकल परचम फहराए हैं, शिक्षा के अंदर परचम फहराए हैं, क्योंकि उनको अब स्थान मिल रहा है। उनको पुराने समय के अंदर जो है उनको चांस ही नहीं मिलता था, तो बेचारी अपनी जो योग्यता थी प्रदर्शित नहीं कर पाती थी, लेकिन आज वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जितनी कुरीतियाँ हैं जिसको कि समाज ने मान्य नहीं किया है, सारी सामाजिक विकास में बाधक है, परिवार के विकास के अंदर बाधक है, और वो परिवार को आगे बढ़ने नहीं देती, समाज का विकास नहीं होने देती। भाई और बहनों, दर्शकगण, ऐसी कई तरह की जो है जैसे तलाक है, ये भी एक कुरीति है। देखिए कि मतलब तलाक बहुत बहुत बड़ा, खाली तलाक कहने से, हालांकि अब नियम बन रहे हैं इसके ऊपर, लागू भी हो रहे हैं, खाली कहने से एक दूसरे को छोड़ देते हैं, कौन उसका भरण पोषण करेगा, कौन संभालेगा, बच्चों का क्या होगा, खाली कह देने से, कोई छोड़ देने से थोड़ी हो जाता है। तो इस तरीके से ये कुरीति है। सती प्रथा का तो प्राय आजकल उन्मूलन हो गया। पहले बहुत ज़्यादा जो ये प्रथा थी कि जब पति मर जाता था तो उसकी जवान पत्नी कैसी भी उम्र की होती थी वो साथ में जलती थी। अब देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है, आना जाना हरेक को जाना है, कोई आगे जाता है, कोई पीछे जाता है, लेकिन जिंदा दिल, जिंदा जी जो मर जाना, या उसको अपने आप जो है फोर्स कर देना कि वह जो है आग के अंदर जले, उसके साथ में सती हो जावे, तो ये बर्बरता है,
ये नरसंहार है और ये जो है फोर्सफुल एक मृत्यु है, ये तो बहुत बड़ी घातक चीज है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को देखते जाइए, कार्यक्रम की क्वालिटी दिनों दिन सुधर रही है क्योंकि आप देख रहे हो, आपका फीडबैक आ रहा है, आपकी रुचि का पता चल रहा है और समाज में अवेयरनेस आ रही है, समाज के अंदर परिवर्तन आ रहा है, व्यक्ति बदल रहा है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।